जब हमें हिचकी आती है तो कहा जाता है कि कोई तुम्हें याद कर रहा है, लेकिन हिचकी जैसे मामूली सी चीज आने के पीछे हमारे शरीर का कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म काम कर रहा होता है। हमारा शरीर 24 घंटे लगातार बिना रुके काम करता रहता है और डेली रूटीन के साधारण से लगने वाले कामों के पीछे जुड़ी हुई प्रोसेस पर हमारा कभी भी ध्यान नहीं जाता। उदाहरण के लिए, हम सभी जानते हैं कि गर्मी होने पर हमें पसीना आने लगता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ठंड में हमें पसीना क्यों नहीं आता? बहुत कम लोगों को ये जानकारी होगी कि हमारे शरीर से पसीना आने का मुख्य कारण आखिर क्या है। ठीक इसी तरह रोंगटे खड़े होने के पीछे क्या कारण है, पाद क्यों और कैसे आता है, और पानी में ज्यादा समय बिताने से हमारी त्वचा सिकुड़ क्यों जाती है। आइए जानते हैं हमारे शरीर द्वारा की जाने वाली कुछ ऐसी ही कॉमन एक्टिविटीज के पीछे जुड़े साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में, जिन्हें जानने के बाद आप इस नॉलेज का दूसरों को शो ऑफ करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्नोरिंग यानी खर्राटे। हर चार में से एक व्यक्ति रात को सोते समय खर्राटे लेता है। खर्राटे लेने वाले व्यक्ति को तो आराम की नींद आ जाती है, लेकिन उसके आसपास सोने वाले लोगों की नींद खराब हो जाती है। आखिर हम खर्राटे लेते क्यों हैं? दरअसल जिन लोगों को सोते वक्त खर्राटे आते हैं, उन लोगों के मुंह का अंदरूनी स्ट्रक्चर दूसरों के मुकाबले थोड़ा अलग होता है। आपने देखा होगा, जब हम मुंह खोलते हैं तो हमारे मुंह के आखिर में एक घंटीनुमा झिल्ली नजर आती है, जिसे यूवियोला कहा जाता है। यही वो चीज है जिसके कारण सोते समय खर्राटों की जोरदार आवाज निकलती है। जिन लोगों को खर्राटे आते हैं, उनके मुंह का अपर पैलेट यानी कि ऊपरी दीवार और यूवियोला का आकार आम लोगों के मुकाबले थोड़ा बड़ा होता है। ऐसे में जब हम सोने के लिए लेट जाते हैं तो हमारे मुंह में लटका हुआ यूवियोला ग्रेविटी की वजह से श्वास मार्ग पर गिर जाता है, जिससे हमें सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। ऐसा होने पर हमारा दिमाग शरीर के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को खोलकर सांस लेने और छोड़ने का फोर्स बढ़ा देता है। हवा का फोर्स बढ़ने पर सांस लेते हुए यूवियोला वाइब्रेट होने लगता है, जिससे एक साउंड पैदा होता है और इस साउंड को खर्राटे कहा जाता है। उंगलियां चटकाना यानी फिंगर क्रैकिंग। ऑनलाइन शॉपिंग करने पर या किसी नाजुक चीज को पार्सल करने के लिए बबल रैप का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक हवा के छोटे छोटे बबल से बनी हुई प्लास्टिक की पन्नी होती है, जो ट्रांसपोर्ट के दौरान पैकेट में मौजूद सामान को टूटने से बचाने का काम करती है। ठीक इसी तरह के बबल्स हमारे बोन जॉइंट्स के बीच में भी पाए जाते हैं। हमारे जॉइंट्स के मूवमेंट को आसान बनाने के लिए हमारे जोड़ों के बीच में एक चिकना पदार्थ पाया जाता है, जिसे सिनोवियल फ्लूइड कहा जाता है। इसी सिनोवियल फ्लूइड के अंदर बहुत माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक हवा बबल्स होते हैं, जो कि हर 20 मिनट में हमारे जोड़ों के बीच में इकट्ठे होते रहते हैं और हड्डियों तथा जोड़ों को खींचने या फोल्ड करने पर फूट जाते हैं, जिससे हड्डियां चटकने की आवाज पैदा होती है। कई लोगों का मानना है कि उंगलियां चटकाने से जॉइंट पेन या अर्थराइटिस जैसी बीमारियां हो जाती हैं। इस बात की पुष्टि करने के लिए डॉक्टर डोनाल्ड अंगर ने पूरे 50 सालों तक अपने उल्टे हाथ की उंगलियों को लगातार रोज चटकाया, जिसके नतीजे में ये पता चला कि उंगलियां चटकाने पर जोड़ों का दर्द या अर्थराइटिस की समस्या बिल्कुल नहीं होती, और इस वजह से डॉक्टर डोनाल्ड अंगर को नोबेल प्राइज भी मिला। गूज़बम्प्स यानी रोंगटे। रोंगटे खड़े होने की टेक्निकल टर्म हॉरिफिलेशन है। रोंगटे खड़े होना हमारे इमोशंस और मौसम पर निर्भर करता है। आमतौर पर ठंड लगने पर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और कई बार एक्सट्रीम इमोशंस जैसे कि डर, खुशी, एडवेंचर या अचंभित कर देने वाली भावनाओं के कारण हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारे शरीर पर पाए जाने वाले हर एक बाल की एक इंडिविजुअल मसल होती है, और ये ही मसल हमारे बालों को खड़ा करती है। जब हम किसी एक्सट्रीम इमोशन को महसूस करते हैं तो हमारी किडनी के ऊपर मौजूद एड्रेनल ग्लैंड्स एड्रेनलिन नामक हॉर्मोन्स छोड़ते हैं। ये हॉर्मोन्स खून के जरिए हमारी त्वचा तक पहुंचते हैं और बालों की इन छोटी छोटी मसल्स को टाइट कर देते हैं। ऐसा होने की वजह से हमारे शरीर के बाल खड़े हो जाते हैं, जिसे रोंगटे खड़े होना कहा जाता है। हालांकि रोंगटे खड़े होने का आज के जमाने में कोई उपयोग नहीं है, लेकिन आदि मानव काल में रोंगटे खड़े होने के कई फायदे हुआ करते थे। हमारे पूर्वजों के शरीर पर काफी ज्यादा बाल हुआ करते थे, और उनके रोंगटे खड़े होने पर शरीर के सभी बाल खड़े हो जाते थे, जिससे एक व्यक्ति आकार में ज्यादा बड़ा और खतरनाक नजर आता था। इसका फायदा जंगल में पाए जाने वाले दूसरे जंगली जानवरों को डराने के लिए किया जाता था। आज भी ऐसे कई जानवर हैं जिनके रोंगटे डर लगने पर खड़े हो जाते हैं, और वो अपने विरोधी को इसके जरिए भयभीत कर देते हैं। डेजा वू। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी घटना को देखने या किसी इंसिडेंट के होने के बाद आपको ऐसा महसूस हो कि ये इंसिडेंट आपके साथ पहले भी हो चुका है?
उदाहरण के लिए, जब आप अपने मित्र के साथ अपने अंकल आंटी के घर पर जाते हैं और बाहर लगी डोरबेल को लगातार बिना रुके जोर जोर से बजाते रहते हैं, उसके बाद घर में मौजूद अंकल आंटी परेशान होकर चीखते हुए दरवाजा खोलते हैं। ऐसा होने के बाद आपको अचानक ये महसूस होता है कि एग्जैक्टली ऐसा ही पहले भी हो चुका है। ऐसी सिचुएशन को डेजा वू कहा जाता है। डेजा वू एक फ्रेंच टर्म है जिसका मतलब है पहले भी देखा हुआ। लेकिन ऐसा होता क्यों है? दरअसल जब हम कुछ काम कर रहे होते हैं तो उस एक्टिविटी के दौरान हमारे सारे सेंसेस जैसे कि छूना, देखना, सूंघना और महसूस करना सक्रिय रहते हैं। किसी भी एक्टिविटी को एक्सपीरियंस करने या याद रखने के लिए हमारे सारे सेंसेस उस चल रहे कार्य से जुड़े सभी सिग्नल्स हमारे दिमाग को लगातार एक सिंक में भेजते रहते हैं। कई बार सिग्नल भेजने की इस प्रक्रिया का सिंक टूट जाता है और दिमाग तक सिग्नल्स एक साथ पहुंचने की जगह एक एक करके अलग अलग टाइमिंग में पहुंचते हैं। ये वही स्थिति है जब हमें कोई इंसिडेंट पहले भी हो चुका हुआ महसूस होता है। डेजा वू होने का मुख्य कारण हमारी आंखों द्वारा भेजे गए सिग्नल्स होते हैं। उदाहरण के लिए, हमारे सामने से अगर कोई कार गुजरती है तो हमारी एक आंख ब्रेन को दूसरी आंख के मुकाबले पहले सिग्नल पहुंचा देती है और दूसरी आंख वही सिग्नल पहुंचाने में आउट ऑफ सिंक होकर लेट हो जाती है। एक ही सिग्नल दो बार अलग अलग टाइम पे मिलने पर हमें ऐसा महसूस होता है कि हमने शायद उस घटना को पहले भी एग्जैक्टली वैसे ही देखा हुआ है। ये प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि इसका हमें रियलाइजेशन भी नहीं हो पाता और इसे हम आंखों का धोखा ना समझते हुए अपनी याददाश्त पर जोर डालने लगते हैं और पास्ट की बीती हुई घटनाओं में उस इंसिडेंट को याद करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन असल में ये हमारी आंखों का धोखा होता है। यॉनिंग यानी कि उबासी। आमतौर पर जब कोई व्यक्ति उबासी लेता है तो ये समझा जाता है कि या तो उसे आलस आ रहा है या नींद आ रही है या फिर वो बोर हो रहा है। दरअसल उबासी और जम्हाई का आलस से दूर दूर तक कोई भी कनेक्शन नहीं है। शुरुआत में जब इस पर रिसर्च की गई थी तो ये बताया जाता था कि उबासी हमें तब आती है जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। लेकिन एक नई रिसर्च ने इसे गलत साबित करते हुए उबासी आने का कुछ और कारण बताया, जिसमें साइंटिस्ट को ये पता चला कि दरअसल उबासी हमारे दिमाग का टेम्परेचर बढ़ जाने के कारण आती है। हमारा दिमाग अकेला पूरे शरीर की सबसे ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करता है। ऐसे में जब हम लगातार काम करते रहते हैं तो धीरे धीरे हमारे दिमाग का तापमान बढ़ता जाता है, ठीक उसी तरह जिस तरह कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन कंटिन्यूस चलने पर गर्म हो जाती है। तापमान को कम करने के लिए हमारे दिमाग को एक साथ ठंडे और ज्यादा ब्लड फ्लो की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए हमारा दिमाग हमें उबासी लेने का सिग्नल देता है। और जब हम उबासी लेते हैं तो हमारा मुंह अपने आप बड़े आकार में खुलता है, जिससे दिमाग से जुड़ी नसें चौड़ी हो जाती हैं और खून का संचार ज्यादा बेहतर तरीके से हो पाता है। और जम्हाई लेते समय हम एक साथ बहुत सारी हवा गहरी सांस लेते हुए इनहेल करते हैं, जिसका काम नसों में बहने वाले खून को ठंडा बनाना होता है। उबासी लेना कभी भी किसी व्यक्ति के कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ स्थितियों में उबासी ले रहे व्यक्ति को आलसी समझा जाता है। स्वेटिंग यानी पसीना निकलना। हमारे शरीर की पूरी त्वचा के भीतर पसीना निकालने के लिए करीबन 2.6 मिलियन स्वेट ग्लैंड्स पाए जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक व्यक्ति मात्र एक घंटे में 3 लीटर तक पसीना बहा सकता है। जब हमें गर्मी लगती है या हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है, तब हमारा दिमाग शरीर को ठंडा करने के लिए त्वचा में मौजूद ग्रंथियों को पसीना निकालने का सिग्नल देता है, ताकि पसीना निकलने से हमारा शरीर गीला होकर ठंडा हो जाए। और ये एक नेचुरल एसी यानी एयर कंडीशनर की काम करता है। क्या आप जानते हैं हमारा पसीना पूरी तरह ओडरलेस होता है? लेकिन जब किसी व्यक्ति को पसीना आता है तो ये समझा जाता है कि उस व्यक्ति का पसीना बदबू मार रहा है। लेकिन हमारे पसीने की कोई बदबू नहीं होती। दरअसल बदबू का कारण त्वचा पर पाए जाने वाले बैक्टीरिया होते हैं। जब पसीना निकलता है तो ये बैक्टीरिया हमारे पसीने में मौजूद प्रोटीन्स को खाकर गंदगी छोड़ते हैं, जिससे बदबू आने लगती है। जिन लोगों की त्वचा में इन बैक्टीरिया की मात्रा अधिक होती है, उनके शरीर से पसीने की बहुत ज्यादा बदबू आती है। फार्टिंग यानी पादना। पादना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसे कोई भी व्यक्ति नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन इसके करने पर जितनी ज्यादा शर्मिंदगी हमें महसूस होती है, उससे कई गुना ज्यादा ये हमारे शरीर के लिए जरूरी भी होता है। क्योंकि अगर शरीर में मौजूद गैस बाहर ना निकले तो इससे कई तरह की गंभीर बीमारियां होने का खतरा पैदा हो जाता है। लेकिन ये गैस हमारे शरीर में पैदा कैसे होती है और इसमें इतनी बदबू क्यों आती है?
दरअसल कुछ गैसेस हमारे पेट में पहले से मौजूद होती हैं, कुछ सांस के जरिए शरीर में प्रवेश करती हैं और कुछ भोजन पचाने की प्रक्रिया के दौरान बनती हैं। इनमें से 70-75% गैसेस हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में यानी कि बड़ी आंत में बनती हैं। हमारे शरीर में कई तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। खाना खाने के बाद जब भोजन का कुछ अवशेष ठीक तरह से नहीं पच पाता तो उसे हमारे पेट में मौजूद बैक्टीरिया खाने लगते हैं। जिस तरह खाने के बाद हम मल विसर्जित करते हैं, ठीक उसी तरह ये बैक्टीरिया भी हमारा अधपचा भोजन खाने के बाद मल के रूप में हाइड्रोजन सल्फाइड नामक गैस रिलीज करते हैं। यही वो गैस है जो बाद में पाद के रूप में हमारे शरीर से बाहर आती है। आमतौर पर जो गैस हम छोड़ते हैं उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन पाई जाती है, लेकिन बैक्टीरिया द्वारा छोड़ी गई हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ही बदबू का मेन कारण होती है। हिकअप्स यानी हिचकियां। जब किसी व्यक्ति को हिचकियां शुरू होती हैं, तो उसे रोकने के लिए काफी मशक्कत करना पड़ती है। आमतौर पर ज्यादातर लोगों को खाना खाने के बाद हिचकियां आने लगती हैं और कई स्थितियों में अचानक डर जाने या तेज हंसने की वजह से भी हिचकियां शुरू हो सकती हैं। इसके पीछे का जो मुख्य कारण है वो है हमारे पेट के ऊपर पाया जाने वाला डायफ्राम। जब हम खाना जल्दी जल्दी या बिना चबाए खाते हैं तो हमारा पेट तेजी से फूलने लगता है। डायफ्राम पेट और फेफड़ों के बीच में पाया जाता है। पेट का आकार बढ़ने से डायफ्राम लंग्स और पेट के बीच में दबने लगता है, जिससे हमारा डायफ्राम इरिटेट होता है और इरिटेट होने की वजह से झटके लेना शुरू कर देता है। झटके लेने की वजह से हमारे लंग्स में सिकुड़न पैदा होती है और वो झटके से हवा अंदर खींचना शुरू कर देते हैं। ऐसा होने पर हमारे गले में मौजूद एपिग्लॉटिस तेजी से आ रही हवा को शरीर में प्रवेश करने से रोकता है, जिसकी वजह से फेमस हिचकी की आवाज निकलती है। स्नीजिंग यानी छींकना। जब हम छींकते हैं तो हमारी नाक और मुंह से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा बाहर निकलती है। हमारी नाक के अंदर बहुत छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं जिन्हें सिलिया कहा जाता है। इनकी बदौलत ही हमारी सांस द्वारा शरीर में प्रवेश करने वाली वायु फिल्टर होती है और साथ ही सांस लेने के दौरान बाहर की वायु का टेम्परेचर हमारी नाक द्वारा बदल दिया जाता है। कई बार हवा में मौजूद सूक्ष्म पार्टिकल्स सांस के द्वारा नाक में प्रवेश कर जाते हैं। ये चीजें धूल, मसाले, बारीक पाउडर और फूलों से निकलने वाले पोलन हो सकते हैं। ऐसी चीजें नाक में जाते ही हमारा ब्रेन हमारी नाक में मौजूद सिलिया को इन पार्टिकल्स को नाक से बाहर निकालने का सिग्नल देता है, जिसके लिए हमारी नाक और मुंह से अचानक तेज फोर्स में हवा बाहर फेंकी जाती है, जिसे छींक कहते हैं। छींकने का ये सिग्नल हमारे दिमाग को नाक वाले क्षेत्र में म्यूकस या कफ बढ़ जाने पर भी मिलता है। ठंड के मौसम में जब हवा ठंडी हो जाती है तो सांस लेने पर हमारी नाक उस ठंडी हवा को गर्म करने के लिए शरीर में पहुंचाती है। इस दौरान नाक के क्षेत्र में गर्मी बढ़ने से वहां म्यूकस इकट्ठा होने लगता है, जिससे छींक आना शुरू हो जाती है। इंसानों के साथ ये प्रक्रिया जानवरों में भी होती है। हमारे शरीर से जुड़े इस तरह के और भी फैक्ट्स हैं, जिन्हें करते तो हम रोजाना हैं, लेकिन उनके पीछे जुड़े कारण और साइंटिफिक प्रोसेस के बारे में हम नहीं सोचते, और इनके बारे में हम इस वीडियो के अगले भाग में चर्चा करेंगे। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए जन्नाट